हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मोटर टॉर्शन। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं नेक्सन के ओनर रिव्यू के बारे में और आप सबको बताएंगे इस गाड़ी के पॉजिटिव, नेगेटिव और एक एक्चुअल ओनर फीडबैक आपको देंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हरियाणा से या सिरसा से और टाटा की कोई भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको बेस्ट ऑफर्स और डिस्काउंट मिलेंगे सिरसा डीलरशिप से। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी डीलरशिप की, और अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली में भी आपको हम बेस्ट डिस्काउंट दिलवाएंगे। उसके लिए आपको मोटर टॉर्शन को कॉन्टैक्ट करना होगा, उसका भी आपको कॉन्टैक्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओनर रिव्यू से। तो हमारे साथ है विकास जी, जो कि इस गाड़ी के ओनर। तो सर, सबसे पहले हाय कह दीजिए हमारे व्यूअर्स को। हाय, हेलो एवरीवन। ओके, तो हम बात करने वाले हैं एक्सएम के बारे में। तो सर, ये एक्सएम का पेट्रोल है या डीजल वर्जन है? ये मैंने पेट्रोल वर्जन खरीदा था। ओके, और बात करें इसके ऑन रोड प्राइस की, तो आपको सिरसा हरियाणा में ये ऑन रोड प्राइस इसका क्या पड़ा? जी, इसका मुझे 8.7 में ये ऑन रोड प्राइस में गाड़ी मिली है, जिसमें मेरा इंश्योरेंस और आरसी दोनों कवर है। ओके विकास, ये बताइए कि आपका टाटा की गाड़ी खरीदने का प्लान क्यों बना? टाटा की गाड़ी खरीदने का प्लान एक्चुअली, एक तो आप कह लीजिए कि इमोशनल अटैचमेंट कंपनी से, क्योंकि मैं पहले टाटा मोटर्स में काम कर चुका था और उसके बाद अभी मैं टीसीएस में काम कर रहा हूँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट है। तो सेकेंड चीज है कि इंडियंस द्वारा बनाई गई, इंडियंस के लिए एक कार है, मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट। ओके, तो वो सब चीजें कंसीडर करके तो टाटा नेक्सन खरीदने का प्लान बनाया। बहुत बढ़िया। ओके, तो ये बताइए, जैसे कि ये एक्सएम वेरिएंट है, तो आपका नेक्सन एक्सएम लेने का ही प्लान क्यों बना? बाकी वेरिएंट्स भी है, अच्छे अच्छे फीचर्स है, एक्सजेड, एक्सजेड प्लस, एक्सी। एक्चुअली एक्सएम खरीदने का पहला रीजन तो यही था कि बजट। ओके, तो मतलब पहले मेरा प्लान था टाटा टियागो खरीदने का, बट बजट एक्सीड करके फिर एक्सएम, टाटा नेक्सन का एक्सएम वेरिएंट लिया, और उसमें थोड़ा मतलब स्पोर्ट्स वाला फीलिंग टाइप कार है, बड़ा दिखता है कार, तो एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइप है, तो थोड़ा मतलब लुक में भी अच्छा है गाड़ी, तो इसलिए खरीदा। और एक्सएम वेरिएंट स्पेसिफिकली कहूँ तो मतलब इस प्राइस सेगमेंट में ये बहुत सारे फीचर कैरी करता है जो अदर कंपटीटर नहीं करते हैं। मैं जितने फीचर्स आपको चाहिए थे वो सारे इस गाड़ी में। हाँ, मतलब जो बेसिक्स एक कस्टमर की नीड रहती है तो वो सब है, बट उसके ओवर एंड अबाउट तो बहुत कुछ है, बट वो फिर बजट के बाहर है, बट मतलब जो बेसिक्स नीड है वो सब पूरी करता है ये वेरियंट। ओके, तो ये तो थी वेरिएंट की बात। अगर हम बात करें कि आपने किस किस गाड़ी के साथ कंपैरिजन किया था, आपने जरूर देखा होगा गाड़ी खरीदने से पहले आप 8 लाख प्लस लगा रहे हैं और आपने काफी गाड़ी के साथ कंपैरिजन किया होगा यूट्यूब पे या इंटरनेट पे या फिर टेस्ट ड्राइव, तो नेक्सन का ही फिर प्लान क्यों बना? एक्चुअली टू बी वेरी फ्रेंक, मैंने मतलब ऐसा पर्सनली जाके कहीं टेस्ट ड्राइव नहीं लिया किसी और गाड़ी का, बट हाँ अगर आप पूछेंगे तो मैं मतलब इंटरनेट पे गया हूँ, गो थ्रू किया है, मैंने मारुति ब्रिजा देखा, उसके अलावा किया सेल्टोस देखा, फिर एमजी हेक्टर वगैरह का भी कंपैरिजन किया, तो इसके अलावा महिंद्रा एक्सयूवी 300, एक्सयूवी 300 थोड़ा गाड़ी सुपीरियर है, बट अगेन दिस बजट कंसर्न, तो फिर मैंने टाटा नेक्सन ही चूज किया। और टाटा नेक्सन मतलब पहले भी जैसे मैं मेंशन कर चुका हूँ कि वो सब फीचर कैरी करता है जो मतलब अदर ब्रांड कैरी नहीं करते हैं इस प्राइस रेंज में। ओके, तो बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कि आपको माइलेज क्या मिल रही है इस गाड़ी से? माइलेज जो हाईवे पे जो माइलेज था वो 19, 18, 19, 20 के आसपास रहा है, जो इसका मीटर में इंडिकेट करता है, और सिटी में लगभग 14, 15 तक रहा है, मतलब नॉर्मल ड्राइव में, मतलब सिटी में इधर उधर चलना है तो 15-16 तक है। ठीक है, और बात करें हम फ्रंट विजिबिलिटी की, आपको कहीं कोई कमी लगती है कि विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, या फिर जो ए पिलर्स है जैसे वो चौड़ाई में ज्यादा और टर्न करने में दिक्कत आती है, ऐसा कुछ विजिबिलिटी की प्रॉब्लम लगी आपको? नहीं, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। ओके, अब बात करें हम हाई स्पीड की, 100+ स्पीड की हाईवे पे, तो आपको कभी वाइब्रेशंस या ऐसा लगा कि इंजन की नॉइस जो है काफी ज्यादा है, वाइब्रेशंस है? नहीं, एक्चुअली मैंने 120 तक गाड़ी चलाई है, तो मुझे ऐसा मतलब फील नहीं हुआ। ओके, और बात करें सस्पेंशन की, आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि खड्डे ज्यादा या झटके ज्यादा लग रहे हैं इसमें, इस गाड़ी में?
नहीं एकदम स्मूथ रनिंग है, मतलब ऐसा कभी मतलब लगा नहीं है कि मतलब लोकल भी गड्ढे वगैरह में चलते हैं तो मतलब स्मूथ ही रहा एक्सपीरियंस, इतना हराश नहीं था। ओके ओके। और ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें, स्टीयरिंग की बात करें या फिर गियर लैग्स की बात करें, क्लच की बात करें, तो कभी कोई कमी लगी या फिर ऐसा लगा हो कि ड्राइविंग स्मूथ नहीं है? नहीं okay. अभी तक मैंने 2000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चलाई है, बट अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ है। ओके okay. और कैबिन में अगर हम बात करें इंजन नॉइस की, तो इंजन नॉइस कितनी कर रहते कैबिन में? नहीं इंजन नॉइस तो नहीं है, मतलब जैसे हम विंडो वगैरह खोलते हैं तो टायर रोलिंग नॉइस थोड़ा आता है, बट इंजन का नॉइस तो नहीं है, पेट्रोल में ज्यादा इंजन का नॉइस फील नहीं हुआ मुझे। ओके okay. और बात करें हम म्यूजिक सिस्टम की, तो म्यूजिक सिस्टम का आपको फीडबैक कैसा लगा? म्यूजिक सिस्टम अच्छा है, मतलब जितना मतलब ज्यादा लाउड में तो थोड़ा मतलब मुझे ऐसा फील हुआ है कि थोड़ा स्पीकर का आवाज फट रहा है, बट नॉर्मल चलाते हैं तो मतलब अच्छा है। ओके okay. और जब आप कभी लॉन्ग ड्राइव पे गए हो तो आपको कभी ऐसा लगा कि सीटिंग कंफर्ट अच्छा नहीं है या थकान हो जाती है ड्राइव पे? नहीं ऐसा नहीं लगा। एक्चुअली मैं सिरसा से चंडीगढ़ गया था, तो वन शॉट में मैंने मतलब 4.5 घंटे गाड़ी चलाई थी, और 4.5 घंटे के बाद भी ऐसा फील नहीं हुआ था कि मैं मतलब ट्रेवल किया है मैंने मतलब इतना 250-260 किलोमीटर का ट्रेवल किया है। ओके मतलब जैसा मैं सिरसा में फील कर रहा था वैसे ही मैं चंडीगढ़ जाने के बाद फील कर रहा था। ओके ओके। और बात करें हम यहाँ स्पेस की ओवरऑल, कभी आपको ऐसा लगा कि स्पेस गाड़ी में कम है? नहीं स्पेस ही तो एक रीजन था ये गाड़ी खरीदने का। ओके तो मतलब स्पेस वाइज अगर हम फैमिली में भी सब फैमिली लोग इधर उधर जाते हैं तो कभी ऐसा फील हुआ नहीं है, मतलब सब लोग बहुत स्पेशियस बैठ सकते हैं इस गाड़ी में। और पीछे अगर हम बात करें, पीछे 3 एडल्ट्स आपने कभी देखा होगा बैठ के, तो कैसे लगा आपको पीछे 3 एडल्ट सही बैठ पाते हैं? बहुत कंफर्टेबली ओके मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मतलब थोड़ा फंस के बैठे आपस में या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, लेग स्पेस भी अच्छा है और पीछे जो सीट है वो भी वाइड है। बात करें ब्रेक्स की, तो ब्रेकिंग सिस्टम कैसा लगा इस गाड़ी का? ब्रेकिंग सिस्टम ये गाड़ी ABS के साथ आती है, बट अभी एक्चुअली मुझे अभी मैंने रिसेंटली इसका जो फर्स्ट चेकअप था वो चेकअप के लिए दिखाया था, मुझे थोड़ा मतलब अगर जब कभी कभी ब्रेक मारते हैं तो एक मतलब अजीब सा नॉइस आता है। ओके तो वो मैंने बोला भी था सर्विस, मतलब सर्विस के टाइम पे जब मैंने फर्स्ट चेकअप करवाया था तो उन्होंने सब क्लीन वगैरह भी किया था, बट स्टिल एक दो बार फिर से फील हुआ है मुझे। वैसे अगर आप स्टॉपिंग डिस्टेंस वगैरह की बात करेंगे तो बहुत अच्छा है, ABS फीचर के साथ आती है गाड़ी, तो बट वो नॉइस कुछ इशू था मुझे, तो वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है उनसे, सो एक बार गाड़ी दिखाना है मुझे उसके लिए। ओके और ओवरऑल पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स आपको बताना चाहेंगे कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा गाड़ी में, और एक नेगेटिव अगर कोई आपको लगा तो वो? सबसे अच्छा तो गाड़ी का जो बिल्ड क्वालिटी है और गाड़ी की जो बेसिक्स जैसे मतलब सेफ्टी फीचर्स जो कैरी करती है, जैसे आपका सीट बेल्ट रिमाइंडर, अगर आपने को ड्राइवर सीट ड्राइवर या को ड्राइवर कोई भी सीट बेल्ट नहीं इंगेज नहीं किया है सो यू विल गेट अ कंटिन्यूसली बीप, कंटिन्यूसली इरिटेटिंग नॉइज, वो एक अच्छी चीज है, मतलब आपको इरिटेट होने के बाद आपको सीट बेल्ट यूज करना है, अच्छा फीचर भी है और इरिटेटिंग भी है। इरिटेटिंग इन वे ऑफ दैट गुड, क्या अच्छी चीज है, मतलब अगर वो इरिटेट नहीं करेंगे तो हम सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे। और सेकंड चीज जो मतलब बेसिक एयर बैग्स आते हैं जो ड्राइवर को ड्राइवर एयर बैग्स हैं, तो वो भी मतलब आज के डेट में सबके लिए सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, तो वो एक अच्छी चीज है। नेगेटिव चीज में अगर मैं बोलूंगा तो मतलब ऐसे तो ऐसा अभी तक तो मुझे कुछ फील हुआ नहीं है, बट नहीं ऐसा कुछ मतलब मुझे लगता नहीं अभी अभी आज अभी तक मुझे कुछ ऐसा अगर नहीं लगा तो जरूरी कोई नेगेटिव बोलना अगर है ना, आपकी सही बात है। और तो आप पूरे सेटिस्फाइड हैं इस गाड़ी से? हाँ ऑफ कोर्स मैं एकदम सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी से। तो रिकमेंड करेंगे उनको जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज है नेक्सॉन खरीदने से पहले, काफी ज्यादा मतलब कंफ्यूज है बाकी गाड़ी देख रहे हैं, तो आप रिकमेंड करोगे नेक्सॉन? डेफिनेटली मैं मतलब जिसको भी अगर गाड़ी खरीदना है और इस सेगमेंट में गाड़ी खरीदना है, आपको स्पोर्ट्स फील भी चाहिए, आपको गाड़ी भी बड़ा चाहिए, आपको सेफ्टी भी चाहिए, आपको कम्फर्ट भी चाहिए, तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड टाटा नेक्सॉन, गो फॉर इट। ओके तो दोस्तों ये था एक ओवरऑल जेन्युइन एक्चुअल ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ टाटा नेक्सॉन।
तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई भी सजेशन और फीडबैक हो तो वो भी आप बताइएगा। सो थैंक यू विकास जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।